सो गाइस, अगर यहाँ पे आपका बजट है 10,000 रुपीज़ और आप जो कि एक स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं अंडर बजट ऑफ 10,000 रुपीज़ गाइस, गेमिंग करने के लिए हो, अच्छे कैमरा के लिए हो, या फिर कोई भी लाइट वर्किंग के लिए हो, यार इस वीडियो के अंदर देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको जो कि टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताऊँगा अंडर बजट ऑफ 10,000 रुपीज़। और गाइस यहाँ पर मैंने कुछ मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया भी रखा हुआ है, जिसमें कि आपको जो कि है इन स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 4 GB की रैम और 64 GB का जो कि स्टोरेज देखने को मिलेगा। फुल एचडी डिस्प्ले यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलेगी और साथ ही में यहाँ पे आपको जो कि मिनिमम 5000 mAh की जो कि बैटरी कैपेसिटी इन सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो यार वीडियो के अंदर देखते रहिए, चैनल पर अगर आप नए चैनल जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें मत जाना। सो गाइस दिस इज एक्सप्लेन यू वॉचिंग टेक एडवाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस लिस्ट में 5th नंबर पे हमारे पास स्मार्टफोन आता है, वो आता है मैक्रोमैक की तरफ से In1B। नो गाइस अगर आपका यहाँ पे बजट है 8,000 रुपये से भी कम, तो यार आप जो कि इस वाले स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि मीडियाटेक का हीलियो G35 जो कि ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 4 GB की रैम और 64 GB का यहाँ पे आपको जो कि स्टोरेज देखने को मिलता है गाइस। 6.52 इंचेस की यहाँ पे आपको जो कि HD+ देखने को HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बिकॉज यार यहाँ पे आप जो कि एक थोड़ा कम प्राइस जो कि पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जो कि सिर्फ HD+ जो कि डिस्प्ले देखने को मिलती है। 5000 mAh के यहाँ पे आपको जो कि बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल रही है और इसमें आपको जो कि रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है। तो इस कैमरा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो कि पीछे में जो कि डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर यहाँ पे आपको जो कि 30 MP का देखने को मिल जाता है और सेकेंडरी यहाँ पे आपको जो कि 2 MP का देखने को मिल जाता है गाइस। और गाइस फ्रंट में आपको जो कि 8 MP का सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 7,999 रुपीज़ में आपको जो कि वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अगर आपका बजट 8,000 से भी कम है तो यार आप जो कि इस वाले स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। और लिस्ट में 4th नंबर पे हमारे पास स्मार्टफोन आता है, वो आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला E7 Power। नो गाइस इसमें आपको जो कि मीडियाटेक का हीलियो G25 जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक से यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। हाई लेवल की यहाँ पे आप कुछ खास लेवल की जो कि गेमिंग नहीं कर सकेंगे। इसमें भी आपको जो कि 4 GB की रैम और 64 GB की यहाँ पे आपको जो कि स्टोरेज देखने को मिलती है। 6.5 इंचेस की यहाँ पे आपको जो कि HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है और 5000 mAh की यहाँ पे आपको जो कि बैटरी देखने को मिलती है। रियर माउंटेड इसमें भी आपको जो कि फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको जो कि ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 13+2 MP का। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो कि 5 MP का जो कि कैमरा देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे आपको जो कि फ्रंट में कुछ खास जो कि कैमरा देखने को नहीं मिलता। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 8,300 रुपीज़ में आपको जो कि वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 8,500 से भी कम है तो यार आप जो कि इस वाले स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। सो इस लिस्ट में 3rd नंबर पर हमारे पास स्मार्टफोन आता है, वो आता है रेडमी की तरफ से, Redmi 9 Prime। नाउ इसमें आप मुझे कि मीडियाटेक का हीलियो G80 जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि यार बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, अच्छी खासी इस पर आप जो कि गेमिंग कर सकेंगे। और गाइस इसमें आप मुझे कि 4 GB की रैम और 64 GB की जो कि स्टोरेज देखने को मिलती है। 5020 mAh की यहाँ पे आपको जो कि बैटरी देखने को मिलती है। 6.53 इंचेस की यहाँ पे आपको जो कि फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। रियर माउंटेड यहाँ पे आपको जो कि फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और गाइस पीछे की तरफ यहाँ पे आपको जो कि क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 13+8+5+2 MP के यहाँ पे आपको जो कि कैमरा सेटअप पीछे की तरफ देखने को मिलती है। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो कि 8 MP का जो कि सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर इससे प्राइस की बात करूँ तो 9,499 रुपीज़ में यहाँ पे आपको जो कि वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है गाइस, अच्छी खासी इस पर आप जो कि गेमिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि वाला स्मार्टफोन परफॉर्मेंस निकल के देगा। अगर आप इस वाले स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो यार आप जो कि परचेस कर सकते हैं। सो गाइस लिस्ट में 2nd नंबर पर हमारे पास स्मार्टफोन आता है, वो आता है रियलमी की तरफ से, Realme Narzo 20 है। नाउ इसमें आपको जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो कि 665 जो कि प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि यार बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। 4 GB की रैम और 64 GB की यहाँ पे आपको जो कि स्टोरेज देखने को मिलती है। 5000 mAh की यहाँ पे आपको जो कि बैटरी देखने को मिलती है और 6.5 इंचेस की यहाँ पे आपको जो कि फुल HD जो कि डिस्प्ले देखने को मिलती है। और इस पीछे की तरफ यहाँ पे आपको जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 12+2+2 MP यहाँ पे आपको जो कि पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो कि 8 MP का जो कि सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूँ तो 9,499 रुपीज़ में आपको जो कि वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है गाइस, अच्छी खासी यहाँ पे आपको जो कि परफॉर्मेंस निकल गया था। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ इस लिस्ट में 1st नंबर पे हमारे पास स्मार्टफोन आता है, वो आता है पोको की तरफ से, पोको M3। नाउ इसमें आपको जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 जो कि है प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस। इसमें आपको जो कि 6 GB की रैम और 64 GB की यहाँ पे आपको जो कि स्टोरेज देखने को मिलती है।
6000 मिली एम्पीयर की यहाँ पे आप उसकी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है 6.53 इंचेस की। यहाँ पे आप उसकी फुल एचडी प्लस जो कि डिस्प्ले देखने को मिलती है। पीछे की तरफ यहाँ पे आप जो की है ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 48+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में यहाँ पे आप जो की है 8 मेगापिक्सल का जो कि सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप कुछ की वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। अच्छी खासी यहाँ पे आप कुछ की परफॉर्मेंस निकाल के देखा, और यहाँ पे आप कुछ की बढ़िया पिक्चर क्वालिटी भी इस वाले जो कि स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी 48 मेगापिक्सल का, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ की सेंसर देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है 10,999 रुपीज़ में यहाँ पे आप कुछ की वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर आप जो कि इस वाले स्मार्टफोन कोई भी सेल वगैरह में परचेज करते हैं तो आप जो कि 9,999 रुपीज़ में इस वाले जो कि स्मार्टफोन को परचेज कर पाएंगे। इस वाले स्मार्टफोन की भी लिंक आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ गाइस, ये कुछ थे हमारे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर द बजट ऑफ 10,000 रुपीज़। अगर आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो तो यार सारे की लिंक आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना गाइस। अभी तक आपने जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस इस वाले मेंबर्स इतना रखते हैं, मिलता है उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।